नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एसपी बक्सी बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसमें डिनोटिंग पर्संस जो है उनको हम पढ़ रहे थे। और उसके अंदर जो है वो अलग अलग प्रकार के जो पर्संस जो हैं, अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। और इस सीरीज़ का आज का ये जो है वो फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ वीडियो जो है ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार वर्ड जो है इसके अंदर दे रखे हैं। तो पहला हमारा वर्ड है मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, मिसेन और लॉजी। मिस जो वर्ड है, या मिसो या मिसेन जो है, इसका मतलब होता है हेट करना, और लॉजी यानी इसका मतलब होता है स्टडी करना, या फिर नॉलेज से इसका मतलब होता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज से घृणा करता है तो उसको मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं, और इसका एंटोनिम्स है बिब्लियोलॉजिस्ट। अगला हमारा वर्ड है नेम सेक। नेम सेक ए पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अदर्स, जैसे दूसरे लोगों जैसा सेम नेम होता है तो उसको नेम सेक बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो घंटों घंटों तक जो है उस मिरर के सामने जो है अपने आप को देखते रहते हैं। तो यदि आप में से ही कोई ऐसा करता है तो सावधान हो जाना, क्योंकि एक प्रकार का डिसऑर्डर भी है, एक बीमारी है जो कई इंसानों को लग जाती है। लवर ऑफ सेल्फ तो ठीक है, लेकिन नार्सिसिस्ट तो वो व्यक्ति होता है जो केवल अपने बारे में, अपने पर ही मोहित रहने वाला व्यक्ति होता है, उसको नार्सिसिस्ट बोलते हैं। नोविस, वन हु इज़ अनएक्सपीरियंस्ड इन एनीथिंग। नोविस यानी नो सीखिया होता है, जो हर चीज़ के अंदर इनएक्सपीरियंस्ड होता है, कोई एक्सपीरियंस उसको नहीं होता है। टायरो इसका सिनोनिम्स है, यानी ट्राई करते रहो। ना नोविस यानी नो सीखिया, जो नया सीखने वाला है। टायरो यानी ट्राई करते रहो, ट्राई वही करता है जो कम सीखा हुआ हो। अगला हमारा वर्ड है न्यूमिसमेटिस्ट। न्यूमिसमेटिस्ट वर्ड जो है, जो कोइन कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो कॉइन, जो सिक्के होते हैं उनको कलेक्शन करने का जो काम करते हैं। ये पुराने ज़माने में हॉबीज हुआ करती थी, आजकल तो फ़ोन चलाना ही हॉबी है, इसके अलावा तो कोई हॉबी बची नहीं। अगला हमारा वर्ड है ओमनीवोरस। ओमनी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल, और वोरस जो है इसका मतलब होता है ईट करना, यानी ओमनी यानी ऑल और वोरस यानी ईट, जो सब कुछ ईट करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को ओमनीवोरस कहते हैं। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो प्रत्येक चीज़ खाता हो, जिसको सर्वहारी बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ एनीथिंग, यानी ऑप्टिमिस्ट जो है वो व्यक्ति होता है जो हर चीज़ के अंदर उसको पॉजिटिविटी दिखाई देती है। तो आपको भी जो है हमेशा ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, पैसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। इसका एंटोनिम्स है पैसिमिस्ट। ऑर्फन, ऑर्फन वो व्यक्ति होता है वन हु हैज़ लॉस्ट वंस पेरेंट, की जिसने अपने माता पिता को खो दिया हो, उसको ऑर्फन बोलते हैं, अनाथ हिंदी में इसको बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल जो है इसका, फिल या फिले जो है इसका मतलब होता है लव करना। एंथ्रोप जो है वो मैनकाइंड के लिए आता है। वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव प्रजाति से प्रेम करता है, तो फिलैंथ्रोपी या फिलैंथ्रोपिस्ट उसको जो है वो कहते हैं। इसका एंटोनिम्स जो है वो मिस एंथ्रोप है। मिसेन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हेट करना, और एंथ्रोप जो है वो मैनकाइंड होता है। अगला हमारा वर्ड है फिलोगाइनिस्ट। ये यहाँ तक भी है फिलोगाइनिस्ट। तो फिल वही लव होता है, और गाइनी जो है वो वुमेन होती है, तो महिलाओं से प्रेम करने वाला जो है। वन हु वर्क्स फॉर, अब देखो ये वन इधर है, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो महिलाओं की भलाई के काम करता है, उसको फिलोगाइनिस्ट बोलते हैं, फिलोगाइनिस्ट। और इसका एंटोनिम्स है मिसोगाइनिस्ट, यानी जो महिलाओं से घृणा करता है, हेट करता है, वो मिसोगाइनिस्ट होता है। अगला हमारा वर्ड है पोलीग्लोट। पोली का मतलब मल्टीपल होता है, और ग्लोट यानी लैंग्वेज, तो जो बहुत सारी लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज जो बोलता है उसको पोलीग्लोट बोलते हैं। और इसका सिनोनिम्स है लिंग्विस्ट, जिसको भाषाविद कह सकते हैं आप, कई भाषाओं का जो जानकार होता है उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं, पोलीग्लोट बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट वन हु हेट्स वार, लव पीस, यानी ऐसा व्यक्ति जो युद्ध से घृणा करता है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहता है और केवल शांति से प्रेम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पैसिफिस्ट बोलते हैं, जो ज़रूरी है आज के टाइम के लिए। पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट जो है वो व्यक्ति होते हैं जो, जिनको केवल डार्क साइड ही दिखाई देती है, जिनको पॉजिटिविटी किसी भी चीज़ में दिखाई नहीं देती है। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जैसे किसी छत के अंदर बैठे हुए हैं तो ये ऐसे सोचेंगे कि ऊपर से छत गिरेगी और हम मरेंगे, तो ऐसे सोचने वाले लोग जो हैं वो पैसिमिस्ट होते हैं। और इसका अपोजिट जो है, एंटोनिम्स है, वो ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, जो हमेशा ही पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये इसका हो गया। अगला हमारा वर्ड है फिलैंडर। फिलैंडर
फ्लंडर वो लोग होते हैं वन हु अम्यूज वन सेल्फ बाय लव मेकिंग, तो ये आप प्रेमी कह सकते हैं। और इसके लिए एक और हिंदी में वर्ड होता है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, यदि आपको यदि वो वर्ड हिंदी इसका एग्जैक्ट मीनिंग यदि पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत ही खूबसूरत सा वो मीनिंग अगला है। हमारा वर्ड है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर, ऐसा व्यक्ति जो आर्ट लिटरेचर की कोई परवाह नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को फिलिस्टाइन बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है पोस्थोमस। पोस्थोमस जो है वो ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, कि ऐसा व्यक्ति जिसकी अपने पिता की मृत्यु के बाद में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको पोस्थोमस बोलते हैं। या फिर ऐसी राइटिंग्स जैसे किसी राइटर ने कोई राइटिंग लिखी और उसका पब्लिकेशन जो है उस राइटर की मृत्यु के बाद में होता है तो उसको पोस्थोमस बोलते हैं। पोस्थोमस राइटिंग आप कह सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा वर्ड है फिलाटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट जो है वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो स्टैम्प इकट्ठे करते हैं उसको फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। फिल जो है वो वर्ड है जिसका मतलब होता है लव करना, जिनको स्टैम्प कलेक्टिंग से प्रेम होता है उनको फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। अगला हमारा वर्ड है पेडेस्ट्रियन। पेडोस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फूट, तो पेडेस्ट्रियन पेडोस से बना है जिसका मतलब होता है जो पैदल चलते हैं। वन वन हु गोज ऑन फुट, पैदल चलने वाले व्यक्तियों को पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। रैक्ल्यूस। रैक्ल्यूस जो है वन हु लिव्स इन सेक्लूजन, सेक्लूजन जो एकांत में रहते हैं, हर्मिट आप कह सकते हैं, साधु। सैडिस्ट, तो सैडिस्ट जो है ये कौन लोग होते हैं, पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, दूसरे लोगों को चोट पहुंचा करके दूसरे लोगों को दुखी करके जिनको आनंद आता है ना, ऐसे लोगों को सैडिस्ट बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आपने कई बार बच्चों को देखा है स्कूल से घर जा रहे हैं, रास्ते में कोई कुत्ता लेटा हुआ है बिल्कुल आराम से, पत्थर उठाएंगे और उसके ऊपर मारेंगे, तो ऐसे जो है वो सैडिस्ट होते हैं, उनको बड़ा आनंद आता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। जुड़े रहिए, धन्यवाद।